आज की वीडियो में मैं आप सबको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ डैंड्रफ यानी रूसी से छुटकारा पाने के लिए। और जो मैंने ये मास्क बनाया है इसमें मैंने सिर्फ तीन चीज़ें यूज़ की है और तीनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। और दो टाइप के डैंड्रफ होते हैं, एक तो होता है ऑयली डैंड्रफ जो कि आपके स्काल्प में चिपका हुआ रहता है, और एक डैंड्रफ होता है जो कि रूखा सा होता है और सूखा सा होता है और हमारे बालों से गिरता है। तो ऐसे दोनों डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए ये जो मास्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अभी पहले हम ये मास्क बनाते हैं, फिर देखेंगे इसे लगाना कैसे है। सबसे पहले एक बाउल लें और उसमें हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है नीम पाउडर, कड़वा नीम जो होता है उसका पाउडर लेना है आपको। कड़वी नीम का पाउडर डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये स्काल्प में जितनी भी गंदगी इम्प्योरिटीज़ होती है उन सबको हटाता है। तो यहाँ हम लेंगे 2 चम्मच नीम का पाउडर, और ये नीम का पाउडर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप में, इनफैक्ट शायद मेडिकल शॉप में भी आपको मिल जाएगा ये पैकेट, मुझे सिर्फ 20 रुपये में मिला है और बहुत सस्ता भी होता है। और आप चाहें तो घर पे भी नीम का पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं। देन जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर, और एप्पल साइडर विनेगर अगेन बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करता है, बालों की डैंड्रफ हटाता है, इचिंग हटाता है। और यहाँ हमें लेना है 2 चम्मच ही एप्पल साइडर विनेगर भी। और इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड यानी कि दही, ये घर पे बनी हुई दही है, और आप चाहें तो मार्केट वाली भी प्लेन बिना फ्लेवर वाली दही यूज़ कर सकते हैं। दही भी बालों से रूसी को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों में नेचुरल मॉइस्चर और शाइनिंग ऐड करता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें और दही उतनी डालें जितने से आपका अच्छे से ये जो पेस्ट है ये बन जाए। मैंने 2 चम्मच दही डाला था, और आप चाहें तो थोड़ा और इसको लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, इतना गाढ़ा बनाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा और लिक्विड रहेगा तो आपकी जड़ों में और अच्छे से जाएगा। तो अब ये हमारा जो मास्क है ये प्रिपेयर हो गया है, चलिए अब देखते हैं कि इसे लगाना कैसे है। किसी भी मास्क को लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें, ध्यान रखें कि बिल्कुल भी उलझे ना हो, नहीं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। अब इसके बाद अपने फिंगर टिप्स पे आप ये जो मास्क हमने बनाया है इसे लें और अपनी पूरी जड़ों को कवर करें। ध्यान रखें ये जो मास्क है ये हम यूज़ कर रहे हैं रूसी को ठीक करने के लिए, मतलब डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, और डैंड्रफ को ठीक करने के लिए जड़ों पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी जड़ें कवर करें, आगे पीछे हर जगह स्काल्प में इसे बिल्कुल अच्छे से लगा लें। अगर आपको स्काल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है तब भी ये मास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और 1 वॉश के बाद ही, एक बार बस आप इसे वॉश करेंगे उसके बाद ही आपको अंतर बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो अपने स्काल्प पर लगाने के बाद अपने पूरे बालों पर इसे बिल्कुल अच्छे से लगा लें, और उसके बाद नॉर्मल आप एक जूड़ा बना करके रख सकते हैं और इसे अपने बालों पर 30 से 40 मिनट तक के रखें। 30 से 40 मिनट तक रखने के बाद में, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसको ड्राई नहीं करना है, सुखाना नहीं है, बस 30 से 40 मिनट तक अपने बालों पर इसे रख कर आपको नॉर्मल शैम्पू से, जब आप अपना हेयर वॉश करते हैं जिस तरीके से, वैसे आपको शैम्पू की मदद से अपने बालों को साफ़ कर लेना है। और जब आप अपना हेयर वॉश कर लेंगे और जब आपके बाल सूखने लगेंगे तब आप देखेंगे आपके बालों में से थोड़ा थोड़ा जो डैंड्रफ, ज़िद्दी डैंड्रफ होते हैं वो भी निकल रहे हैं और अपने आप गिर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो मास्क है ये बालों में शाइनिंग ऐड करने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें कर्ड और एप्पल साइडर विनेगर डाला है, ये दोनों चीज़ें बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो एक मास्क है, इससे आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी चली जाएगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी लगेंगे, सॉफ्ट एंड शाइनी भी लगेंगे। सो दैट्स इट, यहाँ मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।